नमस्कार, क्लीन न्यूज लखनऊ में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप जान सकेंगे लखनऊ के तमाम छोटे एवं बड़े खबर। तो न्यूज को बिना स्किप किए न्यूज के अंत तक बने रहें। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की 15 मुख्य समाचार। प्रशासकों की नियुक्ति पर सरकार से जवाब तलब। हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों में तैनाती की वैधता पर जारी किया नोटिस। जी हां, हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ग्राम पंचायतों की प्रशासकों की तैनाती की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह को 20 जनवरी को सुनवाई के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाबी हलफनामा मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन की PIL पर दिया। इसमें ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद इसमें प्रशासकों की तैनाती को संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन कहा गया है। यूपी 112 से लिंक की जाएगी निजी सुरक्षा एजेंसियां। 181 व यूपी 112 का एकीकरण करने के दिए गए निर्देश। जी हां, प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों को सुरक्षा मुहैया कराने और पुलिस के साथ बेहतर समन्वय के लिए निजी सुरक्षा एजेंसियों को यूपी 112 के साथ लिंक किया जाएगा। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन 181 और यूपी 112 का एकीकरण किया जाएगा। बस्ती में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के लिए 18 लाख मंजूर। जी हां, प्रदेश सरकार ने बस्ती में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के पड़ाव स्थल रामरेखा के पर्यटन विकास के लिए 18,05,000 रुपये मंजूर किए हैं। पर्यटन विभाग के विशेष सचिव शिवपाल सिंह ने बताया कि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर बचे हुए कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की है। सीएम और पीएम की फोटो लगाकर मोबाइल बेचने वाले PR एजेंसी के मालिक को किया गिरफ्तार। जी हाँ, सीएम और पीएम की फोटो लगाकर मंत्री के भाई के मोबाइल बेचने के मामले में हजरतगंज पुलिस ने PR एजेंसी के मालिक आशीष गुप्ता को रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक आशीष गुप्ता नोएडा का रहने वाला है। आशीष को नोएडा से ही गिरफ्तार किया गया है। हजरतगंज पुलिस आशीष से पूछताछ कर रही है। अभी पुलिस कुछ भी बोलने का तैयार नहीं है। विधान परिषद की 12 सीटों के लिए चुनाव 28 जनवरी को। जी हां, विधान परिषद की 12 सीटों के लिए चुनाव 28 जनवरी को होंगे। इसके लिए नामांकन 11 से 18 जनवरी तक दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 जनवरी को होगी, जबकि उम्मीदवार 21 जनवरी तक नाम वापस ले सकेंगे। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार का महाअभियान का सीएम योगी ने किया शुभारंभ। जी हां, किसानों की आय को दोगुना करने की मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ के दादूपुर गांव में किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया। उन्नत किसान और आत्मनिर्भर प्रदेश के संकल्प के तहत प्रदेश के 825 ब्लॉकों में किसान कल्याण मिशन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। किसान कल्याण मिशन के जरिए सरकार ने खेतीबाड़ी के उन्नत तरीकों से आय बढ़ाने के लिए प्रगतिशील किसानों की मदद लेने की योजना बनाई है। स्थानीय स्तर पर होने वाले किसान मेलों और किसान गोष्ठियों में यही प्रगतिशील किसान बाकी किसानों को अपनी सफलता बताएंगे। सरकार को उम्मीद है कि उनकी कहानी से प्रेरणा लेकर अन्य किसान भी बेहतर काम कर खुशहाल होंगे। इसके लिए कृषि विभाग हर जिले से रोल मॉडल के रूप में 100 प्रगतिशील किसानों का चयन करेगा। 6 से 21 जनवरी तक प्रदेश के सभी 825 ब्लॉकों पर होने वाले कार्यक्रमों में किसानों को मंच देने के साथ उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। 24वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन लखनऊ में 12 से 16 जनवरी तक। जी हां, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा हर साल आयोजित किए जाने वाले 24वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2021 का आयोजन इस साल राजधानी में 12 से 16 जनवरी के बीच किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्सव का आयोजन वर्चुअल स्वरूप में होगा, जिसमें 8 विद्याओं से संबंधित कुल 24 कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया जाएगा। पटरी दुकानदारों का उत्पीड़न करने वाले निकाय कर्मियों पर होगी कार्रवाई। जी हां, शहरी क्षेत्र में पटरी दुकानदारों के उत्पीड़न संबंधी शिकायतों पर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार
किया है। पटरी दुकानदारों को मनमाने तरीके से हटाए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निकायों को इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सभी नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पटरी दुकानदारों का उत्पीड़न करने वाले नगर निकाय कर्मियों और पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की जाए। प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार ने इस संबंध में मंगलवार को सभी नगर निकायों को आदेश जारी किया है। जिस इलाके में जैसी आपदा वैसा ही किया जाए प्रबंधन, मुख्यमंत्री की बैठक में कई अहम लिया गया निर्णय। जी हां, प्रदेश के जिस क्षेत्र में जिस तरह की आपदा का प्रभाव होगा उस इलाके के लिए उसी के हिसाब से रणनीति तैयार कर राहत प्रबंधन किया जाएगा। इसके अलावा सरकार आपदा से बचाव को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू करेगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नाविकों व गोताखोरों को सरकार प्रशिक्षण देने के साथ ही मुफ्त सेफ्टी किट भी मुहैया कराएगी। श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिलाने में अफसर गंभीर नहीं। जी हां, प्रदेश में श्रमिकों के पंजीयन व नवीनीकरण की खराब प्रगति पर श्रम मंत्री एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने में महज 3 माह बचे हैं और अब तक निर्धारित लक्ष्य 24,82,427 के सापेक्ष महज 18,80,386 श्रमिकों का पंजीकरण हो पाया है। वहीं निर्धारित लक्ष्य 34,64,841 के सापेक्ष में 7,84,923 श्रमिकों का ही नवीनीकरण किया गया है, जो काफी निराशाजनक है। इससे स्पष्ट है कि श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर अधिकारियों की मंशा ठीक नहीं है। मौर्य ने पंजीयन कार्य में सुस्ती पर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, बंदा, आगरा, बुलंदशहर, कासगंज, हरदोई, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, भदोही व उन्नाव के अधिकारियों को फटकार लगाई और प्रगति सुधारने के निर्देश दिए हैं। इन जिलों में अधिकारियों की कार्य संस्कृति को सरकार ने मंशा के मुताबिक न बताते हुए उन्होंने कहा कि अगली समीक्षा में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिजली सुधारों पर संघर्ष समिति ने सरकार के सामने रखा प्रस्ताव। जी हां, निजीकरण की अटकलों के बीच प्रदेश की बिजली व्यवस्था में सुधार की समीक्षा के लिए मंगलवार से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति व सरकार के बीच वार्ता का सिलसिला शुरू हुआ। पहले दौर में संघर्ष समिति ने बिजली सुधारों पर सरकार के सामने प्रस्ताव रखा, जिस पर विस्तार से चर्चा हुई। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सुधारों पर संघर्ष समिति के प्रस्ताव को सकारात्मक बताते हुए कहा कि बदलाव सही दिशा में दिख रहा है। अगले चरण में पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन सुधारों को लेकर अपना पक्ष रखेगा। उद्यमियों से लिए जाने वाले रखरखाव शुल्क को तर्कसंगत बनाएगी सरकार। जी हां, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने उद्यमियों से लिए जाने वाले रखरखाव शुल्क को तार्किक बनाने तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के औद्योगिक भूखंडों की उप विभाजन नीति को युक्तिसंगत बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उद्यमियों की समस्याओं को तेजी से निस्तारित करने को भी कहा है। चयन के बाद भी नियुक्ति से दूर, अभ्यर्थी प्रदर्शन को हो गए हैं मजबूर। जी हां, 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रतापगढ़ की प्रतिभा मिश्रा का सीतापुर के लिए चयन हुआ था, लेकिन काउंसलिंग के समय आवेदन पत्र में प्राप्त अंक अधिक होने पर उनकी नियुक्ति रोक दी गई। सीतापुर की बबली पाल का भी चयन हुआ था, लेकिन प्राप्त अंक अधिक अंकित करने से उनकी भी नियुक्ति रोक दी गई है। ऐसी त्रुटियों के चलते चयन से बाहर हुए तमाम अभ्यर्थी त्रुटि सुधार की मांग के लिए बीते 7 दिसंबर से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। हालांकि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का कहना है कि एक एक प्रकरण पर विचार किया जा रहा है। शाहजहांपुर जेल में आसाराम बापू का बैनर लगाने में अधीक्षक व जेलर दोषी। जी हां, शाहजहांपुर जेल में 21 दिसंबर को एक संस्था के समारोह में आसाराम बापू का बैनर लगाकर कंबल बांटने के मामले में जेल अधीक्षक, जेलर और 4 जेलकर्मी दोषी पाए गए हैं। इनके 1 जेलकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और अन्य 3 के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। गौरतलब है कि इन कार्यक्रम का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर डीजी कारागार आनंद कुमार ने इस मामले के जांच रेंज डीआईजी आरएन पांडे को सौंपी थी। मुरादनगर की घटना की जांच के लिए सपा ने बनाई 9 सदस्यीय कमेटी। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट पर हुई घटना की जांच के लिए 9 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी के लिए सदस्य 7 जनवरी को मुरादनगर पहुंचकर पीड़ित परिजनों को सांत्वना भी देंगे। जांच कमेटी के सदस्यों में पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर, विधायक रफीक अंसारी, आसू मलिक, रशीद मलिक, विनोद सविता, रमेश प्रजापति चौधरी, राजपाल सिंह, अतुल प्रधान और वीर सिंह यादव शामिल हैं।
हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।